और खबर रायपुर से, मंत्रालय में आज उप मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई। सड़क सुरक्षा और मरम्मत ट्रांसफर नीति पर चर्चा इसमें की गई। इसके अलावा जर्जर सरकारी भवनों की मरम्मत को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, प्रेम साय सिंह टेकाम शामिल हुए। मंत्री शिव कुमार डहरिया और विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान कि एक हफ्ते में तैयार हो जाएगी ट्रांसफर नीति। ताम्रध्वज साहू का कहना है कमेटी फैसला लेकर रूपरेखा तैयार करेगी। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद रूपरेखा को लेकर आदेश जारी होगा। सहयोगी सत्या राजपूत की खास बातचीत हुई है। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। आज मंत्रालय में मैराथन बैठक हुई है और अलग अलग मुद्दों को लेकर ये बैठक हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं। मंत्री जी, तीन बैठकें हुई है, क्या क्या बैठक है और उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? आज एक साथ जो तीन बैठकें हुई उसमें पहली बैठक तो थी रोड सेफ्टी से संबंधित, और उसमें और हर महीने हर साल में दो बार बैठक करना इसका अनिवार्य होता है। उसमें चर्चा होती है कि जो रोड एक्सीडेंट वगैरह होता है उसके कारण, उसके कारणों को दूर करना। दूसरा बैठक क्या था? दूसरा बैठक हमारा हुआ जो यहाँ जमीन है, शासकीय जमीन, जैसे यहाँ शांति नगर प्रोजेक्ट को एक पहले उदाहरण के रूप में शुरू कर रहे हैं, उसकी बैठक हुई। और उसमें अभी तय फाइनल नहीं हुआ है, कुछ संशोधन और मंत्रियों ने और उपस्थित लोगों ने दिया है कि जो मैप बना है, नक्शा, अलग अलग 6-7 उसमें सेक्टर है, तो सड़क को बीचों बीच और सीधा करने के लिए कहा गया, ताकि सबको बराबर चौड़ाई की सड़कें मिले, बराबर कीमत हो, और उसको नए सिरे से सुधार के 1-10 दिन में लाने कहा गया है। फिर वो फाइनल होगा तो फिर वो कैबिनेट में जाएगा। तीसरी बैठक हुई ट्रांसफ़र नीति बनाने के, सभी को इंतज़ार था इसको, तो वो उसमें भी एक दो हम लोगों ने संशोधन दिया है कि इसको और ऐसा कर लिया जाए। तो कल या परसों में संशोधित करके उसकी लिस्ट अधिकारी लोग बना लेंगे, उसको फिर सिग्नेचर करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे। तो देखिए, बातचीत से बिल्कुल स्पष्ट है कि तीन मैराथन बैठकें हुई हैं और बैठक में निर्णय लिया गया, जिसमें ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र नीति को लेकर जो है कर्मचारी अधिकारी पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, अब उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।